लोग जिंदा लोगों से तो बहुत तरीकों से पैसे बनाते हैं लेकिन अमेरिका में मुर्दों से भी अच्छे खासे पैसे बनाए जाते हैं आज की इस वीडियो में चंद ऐसी इंडस्ट्रीज पर बात करना चाहता हूं जो कि डेथ इंडस्ट्री से रिलेटेड है जिसमें कई तरीकों से जब लोग मर जाते हैं तो उनसे पैसे बनाए जाते हैं और हाँ मेरा अगला लाइव वेबिनार इस संडे को आ रहा है अगर आपने मेरा फेसबुक पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए एक प्राइवेट ग्रुप है लाइफ इन अमेरिका के नाम से आप ज्वाइन कर लेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे पेज को आप जितने भी मेरे लाइव वेबिनार्स हैं अमेरिका में बैठकर जितने भी एक्सपर्ट के साथ मिलकर

चल रही होती है और जितने अच्छे एरिया में आप अपने सेमेट्री का प्लॉट लेंगे या जितनी बेहतर सर्विसेज होंगी उस सेमेट्री में उतना महंगा प्लॉट वहां पर आपको मिलेगा एक अंदाजे के मुताबिक ऑन एवरेज डिपेंडिंग ऑन आप आ, कौन से शहर में कौन सी रियासत में रहते हैं ऊपर नीचे इसमें हो सकता है लेकिन एक फ्यूनरल का जो खर्चा है अगर एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसे दफनाने का या पूरी जो सर्विसेज सब कुछ करने का तकरीबन पांच से छह से आठ इवन दस हजार डॉलर पंद्रह हजार डॉलर तक भी रेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कैसी सर्विसेज लेते हैं इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ डेथ के बाद अगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो बहुत सारी मुश्किल का शिकार Uh, में पड़ जाते हैं उनके रिश्तेदार और बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है। उनसे उनको मदद देनी पड़ती है ताकि ये फ्यूनरल के जो खर्चे हैं वो इनके लिए कोई और बर्दाश्त कर ले या तो फिर अब बाज़ अवत उनके इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसी कवरेज होती है जो पहले से इनको इंश्योरेंस लेना पड़ता है ताकि मरने के बाद इनके जो डेथ के एक्सपेंसिस हैं या आठ दस हज़ार डॉलर जो होते हैं वो उनको कवर कर सकें एक और चीज जो लोग अक्सर यहां पर मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं आप भी अपने आ, कोई भी जिस शहर में भी रहते हैं सोशल मीडिया पर देख सकते हैं वो ये है कि सेमेट्री प्लॉट फ्लिपिंग बहुत सारे आम लोग मेरे आपके जैसे लोग पहले से इन सेमेट्रीज में प्लॉट्स खरीद के रखते हैं होलसेल में या बल्क में इस उम्मीद पर कि आने वाले दिनों में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी या किसी के प्यारों को वहां पर दफनाना होगा तो वो पहले से खरीदे हुए प्लॉट की जो कीमत है उससे कई रकम ज़्यादा पर वो उनको बेचेंगे अक्सर औकात लोग एक ख़ास शहर में अपने प्यारों को दफनाना चाहते हैं क्योंकि वहां से उनकी मेमोरीज अटैच्ड होती हैं वगैरह वगैरह तो फिर जो पहले से लिए गए जिन लोगों के पास प्लॉट्स हैं उनके नाम पर होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की तरह तो उनसे महंगे दामों में वो प्लॉट्स खरीदते हैं जिसे प्लॉट फ्लिपिंग यहाँ पे कहा जाता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से शहर में रहते हैं एक छोटा सा सर्च आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर करेंगे एक ट्रेज पर करेंगे तो आपको सेमेट्री प्लॉट्स बहुत सारे लोग बेचे हुए बेचते हुए नजर आएंगे जिसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से ये प्लॉट खरीदे हुए हैं और अब क्योंकि डिमांड या तो उस एरिया में बढ़ी है किसी भी वजह से तो फिर वो महंगी प्राइस में उन प्लॉट्स को बेचते हैं लोग ये बिजनेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे आ, सेमेट्री का प्लॉट जो है एक, एक छोटे से पेपर पे आपका नाम पे ट्रांसफर हो जाता है और आप फिर चाहें तो उसको किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी रिश्तेदार किसी भी दोस्त के लिए यूज़ कर सकते हैं एक और बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर जो है वो जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है स्पेशली वो कैस्केट डेवलपमेंट का है जिस तरह शादी ब्याह में और बाकी तकरीब में बहुत सारे पैसे खर्च करके लैविश चीजों को इस्तेमाल जा, किया जाता है ठीक उसी तरह कैस्केट का जो बिजनेस है उसमें भी डिपेंड करता है अगर को आप कम पैसे खर्च करते हैं तो एक सिंपल किस्म का कैस्केट हो सकता है लेकिन आप ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं जो कि बहुत से लोग यहाँ पे करते हैं तो उन्हें स्पेशल कस्टमाइज किस्म के कैस्केट मिलते हैं ताबूत मिलते हैं जिसके अंदर उनके प्यारों को रखा जाता है और फिर दफनाया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जितने ज्यादा पैसे इसमें आप डालेंगे उतना ज्यादा लैबिश आपका कैस्केट नजर आएगा और फिर आप वो कंपनी जो है जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करी वो उतने ज्यादा पैसे बनाती है फ्यूनरल होम्स एक और बहुत बड़ा बिजनेस है जब भी हॉस्पिटल में स्पेशली किसी की डेथ होती है इवन घर में भी होती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है किसी भी वजह से तो फ्यूनरल होम्स का भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है जब भी किसी की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद फौरन से ही उनको कब्रस्तान या दफनाने के लिए उनको नहीं लिया जाता एक फ्यूनरल होम के प्रोसेस से गुजारा जाता है उनको जो गौसल दिया जाता है या क्रिस्चानिटी में बाकी चीज़ें की जाती हैं वो एक खास प्रोसेस के जरिए उसको किया जाता है ये आम लोगों का काम नहीं है स्पेशलाइज तरीके से लोग यहां पर करते हैं तो उन फ्यूनरल होम्स में आपके प्यारों को मुर्दों को ले जाना वहां के प्रोसेस से गुजारना अगेन आप किस किस्म की वहां से सर्विसेज लेते हैं बहुत सारे Uh, मोहल्लों में आपको ये फ्यूनरल होम्स जगह, जगह जगह पर नजर आएंगे जो खास किस्म की सर्विसेज आपको देते हैं और उसमें भी अच्छा खासा लोगों का खर्चा लगता है तकरीबन दो से तीन हजार चार हजार पांच हजार डिपेंडिंग ऑन आप कौन से फ्यूनरल होम में ले जाते हैं तो ये सर्विसेज देने वाले भी लोग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अच्छे खासे पैसे इसमें बना सकते हैं और एक और बहुत ही कॉमन इंडस्ट्री बहुत कॉमन बिजनेस इंश्योरेंस से जो रिलेटेड है वो है लाइफ इंश्योरेंस आपको हर जगह अमेरिका में कहीं भी आप ईमेल e सब्सक्रिप्शन कराएं या कोई भी सर्विसेज लेने जाएं कोई नया इंश्योरेंस लेने जाएं तो इस वादे पर बेची जाती है कि खुदा खासा किसी सूरत में आपकी डेथ हो जाती है तो इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नतीजे में आपके मरने के बाद आपके घर वालों को प्यारों को एक बहुत बड़ी रकम आ, मिल जाएगी जिसके बाद वो उस रकम को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या तो आपका घर पे ऑफ करने के लिए या आपका स्टूडेंट लॉ पे ऑफ करने के लिए या बाकी खर्चों के लिए दो लाख तीन लाख चार लाख एक मिलियन दो मिलियन दस मिलियन डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी पॉलिसी लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस की लोग लेते हैं लेकिन इसमें बात यह है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है पैसे उसको नहीं मिलते उसके जाने के बाद उसके घर वालों को मिलते हैं तो ये तो थी कुछ चंद ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस मॉडल्स यहाँ पे जो अमेरिका में डेथ से रिलेटेड डेथ इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसमें सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं और इससे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको रेगुलर बेसिस पर यहाँ रहने वाले इस्तेमाल कर सकते हैं नई नई इनकम अपर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं बिजनेस आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में वक्तन फौकता लाइक एसट मेरे लाइव वेबिनार्स अब आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज सब्सक्राइबर पर सब्सक्राइबर्स पेज पर फेसबुक पर जाइए सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आपसे मुलाकात होगी वहाँ पर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं और वीडियो के साथ